नमस्कार मित्रों, मैं हूं रतन सिंह और स्वागत करता हूं आपका बिग वर्ल्ड पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि किस प्रकार आप पैसा आनेंगे, सबसे पहले आती है स्वर संधि। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वर संधि ये है। स्वर संधि में फर्स्ट आती है, पहला पॉइंट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि नाम से ही पता चलता है कि दीर्घ यानी बड़ी होती है। दीर्घ यानी बड़ी, ये वाली दीर्घ संधि, ये नाम से ही पता चलता है कि दीर्घ बड़ी यानी कि बड़ी मात्रा वाली संधि। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आता है पहला उदाहरण भानुदे, ये देख सकते हैं। पहला उदाहरण भानुदे, ये इसमें बा यानी कि बड़ी मात्रा है, नू की भी बड़ी मात्रा है, इसका मतलब बंधे ये दीर्घ संधि है। दूसरा उदाहरण है महात्मा, ये वाला महात्मा में देख सकते हैं कि आ, महात्मा में आ बड़ी है और मा में भी बड़ी मात्रा है, इसका मतलब ये भी दीर्घ संधि है। इसके बाद आता है गुण संधि। गुण संधि जिसमें एक मात्रा होगी या तो आई की या ओ की। तो इसलिए पहला शुरू करते उदाहरण। उदाहरण में पहला नाम है महेंद्र। महेंद्र में देख सकते हो कि ये वाली मात्रा और ये मात्रा, इसका मतलब कि ये आई की मात्रा होने के कारण महेंद्र गुण संधि का है। और फिर आता नरेश, इसमें भी ये मात्रा ही है ये वाले, इसलिए भी नरेश भी गुण संधि का है। फिर वापस आता उदाहरण आता है महोदय। महोदय का भी इसमें ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा होने के कारण महोदय भी गुण संधि का उदाहरण बन जाता है। फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आई व आऊ की मात्रा होगी। उदाहरण जैसे सदैव, सदैव में आप देख सकते हैं कि आई की मात्रा है। और मौज, इसमें भी आऊ की मात्रा है, इसलिए ये दोनों वृद्धि संधि के अंग हुए। इसके बाद आता है यण संधि। यण संधि में य व र या भी या व र या भी इसमें कोई भी हो सकता है, या व र या य व र के पहले आधा शब्द आएगा तो यण संधि होगी। जिस प्रकार के स्वागत, स्वागत में आप देख सकते हैं कि वा के पहले, व या वा के पहले स आया है, आधा स, इसलिए ये यण संधि होगी। इसके बाद आती है अयादि संधि। अयादि संधि में देख सकते हैं कि ए आई ओ आउ की मात्रा नहीं आती, अधिकतम ये तीन अक्षर का शब्द होता है। जिस प्रकार देख सकते हैं उदाहरण पवन, नयन, नायक, जिसमें किसी भी शब्द की मात्रा नहीं है। पवन भी एक सिंगल शब्द है, नयन भी सिंगल है और नायक भी सिंगल है, इसमें किसी भी ए आई ओ आउ की मात्रा नहीं है, इसलिए अयादि संधि का अंग है। फिर आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का ये सीन होता है, विसर्ग संधि में ये होता है कि विसर्ग स, श और श में बदल जाते हैं और कई कई ओ और पी की मात्रा लग जाती है, कई कई। उदाहरण में देखते हैं निचल, देख सकते हो कि निचल जिसमें आधा स है, सॉरी ये स, ये वाला स है, ये वाला स उनके ऐसे ही पता चल जाता है ये विसर्ग संधि है। दुस्तर, दुस्तर में ये स और ये स, इसका मतलब कि ये विसर्ग संधि, ये सीधा ही पता चल जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे।